एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने एक जैसी। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई, किसी ने 500, किसी ने 1000 तो किसी ने 800। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वो दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उसे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटे ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो, इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो, ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीजों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वो अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। धन्यवाद।